नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी हमने यही चैप्टर पढ़ा और उसी चैप्टर को हम इस साल भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द नाइन्थ स्टैंडर्ड। जो भी फॉर्मूलेज हैं वो बेसिक हम नाइन्थ स्टैंडर्ड वाले से शुरू करेंगे। पढ़ा रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि आपने नाइन्थ में पढ़ लिया तो अब नहीं पढ़ाऊंगे, क्योंकि कितना याद होगा, इस साल का याद नहीं रखते हो तो पिछले साल का तो बहुत याद रहने वाला है। तो हम वहां से शुरू करेंगे, एक एक चीज को वापिस से क्लियर करते हुए। आपको नाइन्थ का याद है, वेल एंड गुड, नहीं याद है, अपन लोग अभी समझ रहे, ठीक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, कोई भी बॉक्स की जब हम बात करते हैं तो वो कहलाता है क्यूबॉइड। हम हमारे रूम की बात करें तो दिस रूम इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूबॉइड। आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, रूम है, रूम के में एक अपनी लेंथ होगी, एक कहलाएगा ब्रेड और एक कहलाएगा हाइट। तीन चीजें होती है, हम लोग वर्ड दे रहे हैं लेंथ, ब्रेड और हाइट, विच फॉर्म्स अ क्यूबॉइड। अगर ये तीनों चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो कि लेंथ, ब्रेड और हाइट तीनों तीनों इक्वल है, तब जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज कॉल्ड एज क्यूब। क्या बोलेंगे हम उसे? क्यूब। और जब ये चीज अलग अलग है, हो सकता है दो एक जैसी हो, बस तीनों सेम नहीं होना चाहिए, तो हमने वर्ड दे दिया क्यूबॉइड। अब अपन जो कॉमन वर्ड्स पढ़ते हैं, हर जगह हम लोग तीन फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम। हर एक फिगर के लिए जो भी अपन स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं उसके तीन फॉर्मूले हमेशा, लैटरल या कर्व, उसके बाद टोटल और उसके बाद वॉल्यूम। हम लोग किसे लैटरल या कर्व्ड बोलेंगे? तो जब हमारे पास क्यूब या क्यूबॉइड एक बॉक्स है तो हम उसे लैटरल बोल रहे हैं। यही चीज हमारे पास एक बॉटल के फॉर्म में है तो ये जो पार्ट है ये इसका लैटरल नहीं कहलाएगा, यहाँ जाके ये सीधा नहीं है, ये टर्न हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वही चीज क्यूबॉइड या क्यूब के अंदर लैटरल है और सिलेंडर वगैरह में हम उसे बोलेंगे कर्व। इतना पता चलता है। अब कब हमें टोटल फाइंड करना है, कब हमें कर्व्ड फाइंड करना है और कब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, बेसिक क्वेश्चन। जब भी किसी चीज की लेबलिंग करनी है ना, कोई बॉक्स लेकर आए तो उस बॉक्स का जो भी नाम है, जो भी ब्रांड है, वो ब्रांड हमें कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है? फ्रंट बेस में। उन्होंने कुछ भी लेबल नहीं लगा रखा, टॉप के ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगा रखा। लेबलिंग कहाँ करी जाती है? बीच वाले पार्ट पे, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, और लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड या लैटरल। ऐसे ही जब हमारे पास बॉक्स होगा, अभी बॉक्स की जगह रिमोट दिखा देते हैं, ये हो गया लेंथ, ये वाला पार्ट हो गया ब्रेड और ये जो थिकनेस है दिस रिजेंबल्स हाइट। तो लेंथ, ब्रेड और हाइट बॉक्स के ये वाली चारों साइड जब हमने कुछ किया तो वो कहलाएगा लैटरल सरफेस ए। यही चीज हमें बोले कि हमें एक रूम है और उसे पेंट करना है, तो पेंट कहाँ किया जाता है? दीवार पर। और कहाँ किया जाता है? सीलिंग पर। फ्लोर पर हम कभी भी पेंट नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास में चार दीवारें हैं, ये जो चार वॉल हैं ये क्या रिजेंबल करेगी? लैटरल सरफेस एरिया, प्लस उसके साथ में छत, जो भी हमारा रूफ है वो भी ऐड कर दो, लेकिन क्या ऐड नहीं करना? फ्लोर। पता चला फ्लोर भी ढूंढ दिया तो फ्लोर पे थोड़ी कलर करने वाले अपन, पूरे टाइल्स लगी है उसके ऊपर भी कलर कर दो तो नहीं, ठीक। तो जब भी हमें किसी चीज को कवर करना है, हम लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढेंगे। जब दीवारों को पेंट करना है तो खाली लैटरल सरफेस एरिया, दीवार के साथ सीलिंग करनी है तो हम उस सीलिंग को भी ऐड कर देंगे, बट इट विल नॉट बी टोटल सरफेस एरिया,
क्योंकि रूफ हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहीं पर बोला कि एक कार्डबोर्ड ले लो और उस कार्डबोर्ड से एक बॉक्स बनाना है, ऐसे 10 बॉक्स बनाना है जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, तो आपको पूरा बॉक्स बनाना है। यू हैव टू मेक इट्स बेस, उसके बाद ये चारों साइड का डायरेक्शन और उसके बाद में उसका टॉप क्या कहलाएगा। जब पूरा बना दिया तब वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया, पता चलेगा। और जब उसके अंदर हमें सामान भरना है तो क्या ढूंढना है, उसकी वॉल्यूम। ठीक, अपन लोगों ने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल भी किया। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में मैंने आपको क्या समझाया कि बोले हाँ सेक्टर वगैरह वाला पार्ट अपन ने किया, वहां पर हमारे पास दो वर्ड थे सर्कमफ्रेंस और एक वर्ड था, मतलब दो वर्ड, एक सर्कमफ्रेंस और एक एरिया। सर्कमफ्रेंस का जब बाहर बाहर का ढूंढना हो तो सर्कमफ्रेंस, और वर्ड्स ने कितना ग्रेज किया, काउ ने कितना ग्रेज किया, तब हम क्या ढूंढते हैं एरिया। क्यों, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपको कि जब बाहर का करना है तब एरिया और जब अंदर का करना है तब वॉल्यूम। और वहां मैंने आपको बोला था कि सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ढूंढो और अंदर वाले के लिए एरिया ढूंढो। वहां बाहर वाला पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस था और अंदर वाला, यहाँ बाहर वाला एरिया है और अंदर वाला वॉल्यूम है। क्यों, क्योंकि हाँ बोलिए, वेरी गुड, बढ़िया। डेफिनेटली हम जो स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, ये सारे स्ट्रक्चर कहलाएंगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो उसके पास लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इट डज नॉट हैव हाइट। अब उसके पास तीन तीन चीजें हैं, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी। कौन से स्ट्रक्चर हो गए, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बाहर वाली चीजें एरिया और अंदर वाली चीज वॉल्यूम। और जब हम सर्कल की बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं, तब हम पेरिमीटर, सर्कमफ्रेंस और एरिया की बात करेंगे। यही चीज जब स्फीयर होगा, बॉल जो होती है वो क्या कहलाती है, स्फीयर। बॉल को हम सर्कल नहीं बोलते, सर्कल हम किसे बोलेंगे कि ये एक बैंगल है, इस बैंगल को क्या बोला जाएगा, सर्कल। स्फेरिकल कब होगा, जब ये पूरी बॉल बन जाए तो वो स्फीयर हमारा कहलाता है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन फॉर्मूले की तरफ। हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में जमीन की बात करें तो एक लेंथ और ब्रेड्थ, सेम टू सेम ऊपर फ्लोर रूफ, दैट इज ऑल्सो लेंथ एंड ब्रेड्थ। कितनी बार आ गया, टू टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ये वाली जो दीवार जा रही है, ये वाली और ये वाली, दिस इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इधर वाली दीवार भी और इधर वाली दीवार भी, इट इज टू टाइम्स लेंथ इनटू हाइट, इट इज टू टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। और थर्ड टाइम ये मेरे पीछे वाली वॉल, ये क्या कहला रहा है, ब्रेड्थ, और ये वाला पार्ट कहलाएगा हाइट, इट इज टू टाइम्स ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया टू इनटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। वो लाइन से लिखने में अच्छा लगता है, एलबी बीएच और एचएल, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा लिख दिया, याद हो ये दिमाग में। कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर मैंने बोला क्यूबॉइड में हम उसे बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। किसे बोलना है, जो चार दीवारें हैं उसे बोलना है लैटरल सरफेस एरिया। तो दो दीवारों में है लेंथ और क्या है, लेंथ और हाइट, और दो दीवारों पे है ब्रेड्थ और, ठीक है, इट इज टू टाइम्स बीएच। तो टू एच कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा L प्लस B। अब ऐसे में बोले रूफ को भी इंक्लूड कर दो, उसे भी मुझे पेंट करना है, तो ये चार दीवारें हो गई प्लस साथ में क्या ऐड करना पड़ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि ऊपर की वाला पार्ट जो रूफ का है वो हमें ऐड ऑन करना है, खाली फ्लोर नहीं लेना। तो फॉर्मूला
हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा कि हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस पता करने हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब क्यूब को देखेंगे, क्यूब के अंदर ये वाला पार्ट टू टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है, क्या हो गया ए स्क्वायर, ये दोनों भी बराबर है ए स्क्वायर, ये दोनों भी बराबर है ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। टोटल सॉरी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू टाइम्स एल एच मतलब 2a स्क्वायर, टू टाइम्स बी एच कितना आंसर आ गया 4a स्क्वायर। ठीक, ये वाला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ए इनटू ए इनटू ए इज इक्वल टू फॉर्मूले आप खुद डिराइव करो, मैं तो कुछ भी नहीं बोलू। अब हमें क्या करना है, थर्ड हम लोग ले रहे हैं सिलेंडर। सिलेंडर एक्चुअली हम इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, एक्चुअली मतलब जो उसका प्रॉपर वर्ड है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये वाला पार्ट उसका रेडियस हो गया, ये वाला पार्ट उसका हाइट हो गया, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जितना आर ऊपर है उतना ही आर नीचे है, अलग अलग आर हम लोग नहीं लेते, पता चला ऊपर बड़ा और नीचे छोटा उसका शेप बदल जाएगा, वो आपकी बकेट बन जाएगी और उसे बोला जाता है फ्रस्ट्रम, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं सिलेंडर। एक्चुअल नेम इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये एक जैसा दिख रहा है इसको ले लो, ये वाला पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला एक बेस, ये वाला ऊपर उसका टॉप। तो ये पार्ट जो है ये एक सर्कल को रिजेंबल कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट भी एक सर्कल को रिजेंबल कर रहा है, तो दो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज ठीक, पता चला। अब हम इधर आ गए वापस, बीच वाला पार्ट ये तो पता चल गया, बेस ये वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये भी सिलेंडर ही है, ये टॉप दिस इज पाई आर स्क्वायर। अब ये पार्ट जो बचा, ये बाहर वाला जो पार्ट है गोला गोला गोला, बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, लेकिन वो तो रिंग का होता है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गई इसकी फॉर्मूला क्या बन गया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ 2πrh, यहाँ पर भी लेंगे 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर नीचे वाला। मैं हमेशा अलग अलग इसलिए बता रही हूँ कि सपोज करो आपको बोल दिया पेन स्टैंड बनाना है, तो पेन स्टैंड में बेस तो होगा, ऊपर का ढक्कन ओपन होना चाहिए, तभी आप इसको पेन स्टैंड बोल रहे हो, तो फिर उस केस में आपके पास 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, इट विल नॉट बी 2πr स्क्वायर। इसलिए मैं अलग अलग बता रही हूँ, बीच वाला 2πrh, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर। ठीक, कॉमन कॉमन निकालना है निकाल दो, मेरी आदत के हिसाब से इट इज आर प्लस एच। उसके बाद बचा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या कहलाता है एरिया, तो इट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बताओ एरिया इज और हाइट है फॉर्मूले आप डिराइव करो, समझ में आना चाहिए कि हम लोग फॉर्मूला अगर कुछ लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लिया एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट इज एच, तो हमारे पास तीनों तीन फॉर्मूले तैयार हो गए, एक क्यूबॉइड का, एक क्यूब का और एक सिलेंडर का। लिख लीजिए